नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड कापी टू वॉल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सुनील सोढ़ी और स्वागत करता हूं आपके अपने शो पे जिसका नाम है सफरनामा विद सुनील सोढ़ी। सफरनामे के आज के सफर में हमारी जो आज की डेस्टिनेशन है वो है पत्नीटॉप, जो कि जम्मू से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे है। तो चलिए चलते हैं पत्नीटॉप और रास्ते में चलते चलते करते हैं आपसे बात। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं। तो अभी बज चुके हैं 6:35। ओम साई राम, जय शिव शक्ति। तो चलिए चलते हैं और सबसे पहले डलवाते हैं इसमें पेट्रोल और उसके बाद आपसे चलते चलते करते हैं बात। सबसे पहले डलवाएंगे पेट्रोल, उसके बाद देंगे सुजल को जो कि मेरा कैमरा पकड़ रहा है, और उसके बाद चलेंगे हम अपने राइडर भाई के पास जो कि पेट्रोल पंप मांडा जू के पास वाला वेट कर रहे हैं। चलो जी, पहले डलवाते हैं पेट्रोल। डलवाई के पेट्रोल अभी। डलवाते हैं पेट्रोल, 500 कर देना। चलो जी, अब हमने डलवा लिया पेट्रोल, अब चलते हैं सुजल के पास, उसको पिक करके फिर हम जाएंगे अपने सभी राइडर बाइक के पास। चलिए पहले सबसे पहले लेते हैं सुजल को जो कि रेडी हो गया होगा। हाँ, पहुंच गया और रेडी। कैसे हो? चले हेलमेट। अभी हमने सुजल को भी पिक कर लिया, अब हम चलेंगे सीधे मांडा जू पेट्रोल पंप के पास जहाँ पर सभी राइडर्स बाइक इकट्ठे हुए हैं। पहुंचने वाले हैं पेट्रोल पंप के पास और देखते हैं कौन कौन पहुंचे हैं यहाँ पर। ओए यार, अभी तो मुझे कोई भी नहीं नजर आ रहा। सबसे पहले पहुंचने वाला मैं ही हूँ। देखा, यही होता है। सुबह 7 बजे का टाइम दिया था, 7:02 में मैं पहुंच गया हूँ और अभी तक कोई भी नहीं पहुंचा। मैं पहुंचा पूरे 7 बजे, अभी बज चुके हैं 8 और देखो अभी भी पहुंचे सारे। आइए इनसे मिलाते हैं। और ये है विक्की जी, तो जा रहे हैं हमारे साथ राइड पे आज। हेलो जी। हेलो। और ऋतिक जी, आप इनको जानते ही होंगे, ये हमारे साथ गए थे एक बार भद्रवाह के टूर पे। तो चलिए आज चलते हैं पत्नीटॉप के टूर पे। सर अंजुम जी, ये देखिए। सर मैं तो पूरे 7 बजे पहुंच चुका हूं। मैं कभी मना नहीं करता। है? मैं कभी मना नहीं करता। आप नहीं करते, पर ये उस दिन प्लान बना के फिर क्या कहते कैंसिल किया। हाँ, वो कहाँ आए वो? नहीं ना। तो फ्रेंड्स, ये जा रहे हैं हमारे साथ आज राइड पे, ये ग्रुप है। तो 7 बजे का टाइम देकर आप देखिए, अभी मेरी गाड़ी में बज चुके हैं 8:30। तो 8:30 बजे हम निकलेंगे
तो कम से कम लगभग हम कोई 11:30 बजे हम पहुँचेंगे अभी पटनटॉप। तो फ्रेंड्स, हम काफ़ी दिनों से प्लान डाल रहे थे रास्ता, तो आज हमारा प्लान बन गया। तो इन्होंने रात को 11 बजे फ़ोन किया कि सुबह चलते हैं पटनटॉप, क्योंकि दो दिन से काफ़ी बारिश हो रही थी, तो अभी वहाँ स्नोफॉल भी हो रहा होगा। अभी देखते हैं क्या बता आगे, तो देखते हैं आप कितनी दूर था यहाँ पर रास्ते में। सामने देखिए बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। आज हमारे साथ एक और राइडर जुड़े हैं, इनका नाम है विक्की जी। सर जी, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही अच्छा। अच्छा लग रहा है ना? बहुत ही अच्छा। धुंध के मजे ले रहे हो? बहुत ही ज्यादा। और सर, कैसा लग रहा है आपको आज का टूर? ये अभी पत्नीटॉप भी ये हाल है, इतनी जम्मू में ये हाल आ गए। और विक्की जी, आप बताइए। बहुत मजा आ रहा है, I am comfortable, but फिर भी ठंड लग रही है। एक मिनट, आप ठंड के मजे लो आज। एक मिनट थोड़ा ग्लव दिए देखो। अंजुम सर, कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही awesome, बहुत मजा आ रहा है। चलो ठीक है, ठंड के मजे लो। हालत खराब हो गई है, अब आगे आगे देखते क्या होएगा। इधर की हालत आप देख सकते हैं, अभी आगे देखो क्या होना है। अभी तो जम्मू ही पहुंचे, नहीं आगे तो बहुत कुछ होगा, बर्फ ही बर्फ मिलेगी आगे। और साहिल जी डलवाने गए थे पेट्रोल, इनसे पूछते हैं। हाँ जी साहिल जी, कैसा लग रहा है आपको? एकदम बढ़िया, ठंड बहुत है, एकदम गीले हो गए हम पूरे। एंजॉय कर रहे हो? और सामने आप देख सकते हैं वैष्णो देवी में कितनी बर्फ पड़ी हुई है, और इससे भी ज़्यादा हमें मन लगी पटनटॉप में। हम बहुत दिनों से सोच रहे थे पटनटॉप जाएंगे, पटनटॉप जाएंगे, सब जाने का कोई प्लान बन नहीं था। चलो बना, थोड़ा ढेर बना पर सही बना। चलिए पहले चलते हैं माता रानी का लेते हैं आशीर्वाद। आप देख सकते हैं कितनी दूर है, और इतनी ठंड है कि हाथ पूरे बर्फ की तरह चलते हैं। अभी ना कष्ट दबाया जा रहा है, ना बारिश नहीं जा रही है, और इतने ठंडे हो गए ना हाथ लग लगाने के बावजूद भी। अभी हम रुके हैं उधमपुर चौक में, विशाल मेगा मार्ट।
क्या हुआ, ग्लव्स नहीं मिले? मैंने पास वाले के पास मिल जाएंगे, कोई बात नहीं, अब चल जाएगा मेरा, हो जाएगा ना, फिर गर्मा हवा गर्म हो गए थोड़े से, धुंध भी पीछे बहुत बुरी हालत थी, काफी याद उनसे पीछे ठंड बहुत ज्यादा ठंड है, गर्मी है, गर्मी है, उंगली से गर्मी खत्म हो गई है। तो फ्रेंड्स के ग्लव्स नहीं है, किसी ने ग्लव्स ही लाए हुए, तो हम इनसे पूछते हैं ग्लव्स कैसे मिले होंगे। बाकी अंदर कॉम्प्लेक्स में जाना पड़ेगा सर, कोरोना में हाथ मिलाना नहीं, ग्लव्स पहने, ग्लव्स पहने ना, ग्लव्स ग्लव्स भी तो कोरोना है सर, सर रिकॉर्ड रिकॉर्ड हो रहा है। चलो जी, फिर से धुंध स्टार्ट हो गई, पीछे उधमपुर सिटी में इतनी धूप थी और उधमपुर से निकलते ही ये देखिए आप कितनी धुंध है यहाँ पर। आगे तो रोड भी नहीं दिखाई दे रहा है कि रोड किस तरफ गया, ये फिर धूप आ गई, धूप के बाद थोड़ी सी धूप, फिर धुंध, फिर धूप, फिर धुंध। हिमालय वैष्णो भोजनालय जवा जवा अंडा जवा 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 मार, हालत खराब हो गई है, भूख लगी बड़ी ज्यादा, पेट अब मान नहीं रहा, चलो आओ फिर पेट भरते हैं। विक्की को पता लग रहा था हम आ गए, तभी रेला दे रहा, क्या फोन कर रहा, कह रहा टनल से गए हो, इधर से गए हो, मैंने कहा अभी पीछे ही है रुके है, कहा तू देखता नहीं, तेरे को इशारा भी कर रहे हैं। तो चलिए ब्रेकफास्ट करने के बाद आप चलते हैं पत्नीटॉप, सामने देख सकते हैं, वो देखिए सामने आप पत्नीटॉप की पहाड़ियाँ, कितनी बर्फ पड़ी है, जाना कि ऊपर से नीचे से, ऊपर से नीचे से कहाँ जाना है, बटोगन साइड से नीचे अगला, इतना आगे जाके फिर वापस आना, सिंपल साइड जाना, अरे पूछ रहा हूँ मैं, पत्नीटॉप 20 किलोमीटर, सुद महादेव 24, मानतलाई 32 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स ये जो आप रास्ता देख रहे हो नीचे की तरफ गया, ये रास्ता गया सुद महादेव और मानतलाई की तरफ, सुद महादेव और मानतलाई मैं आने वाले एपिसोड में भी कवर करूंगा, और ये रास्ता गया पत्नीटॉप की तरफ।
बाइकर्स गए अभी, बाइकर्स गए अभी, कहाँ गए? ये आगे गए अभी। तो अभी इन्हें रोक लिया अभी रास्ते पे, देखते अब पूछना पड़ेगा इनको क्या क्या बात हुई इनसे। सब बाइकर्स गए हमारे, अभी बाइकर्स गए हमारे। कहाँ जा रहे हैं बाइकर्स? सब पत्नीटॉप तक, पत्नीटॉप भाई बात। तो सारे इनके साथ ही हम जम्मू से आ रहे हैं। अगर मुझे ऊपर दिख गया मोटर ऊपर नहीं जाएंगे, किसी जगह नहीं बोला हमारा, उधर ही है एरिया। आप अभी आके हमारे कंफर्म उतना हमारा हाथ है, मैं एक एक पीछे नहीं जाऊंगा कंफर्म करने। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो इन्होंने हमें परमिशन दे दी सर ने, तो अब चलते हैं आगे। सभी बाइक गाड़ी रोकी यहाँ पर क्योंकि बोल रहे हैं कि अभी बंद था पत्नीटॉप। आ गई है, तो हमारे एक फ्रेंड जा रहे हैं, उनका यहाँ पर हट भी है, तो हमने उनसे कहा कि इनका घर है तो उनके घर के पास जा रहे हैं हम, तो उन्होंने फिर हमें जाने दिया, तो ये जा रहे हैं हमारे साथ। जब 20 साल रुका तो हुआ क्या, इन्होंने अपने खत बनाया हुआ है अपने टॉप पे, तो उन्होंने कहा कि हमारा हट है तो फिर उन्होंने जाने दिया। ये देखिए थोड़ी थोड़ी स्नो यहाँ पड़ी हुई है, जैसे जैसे धूप निकलती जा रही है तो निकलती जा रही है, अभी और स्नो मिलेगी आगे। हम जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और स्नो दिखाई दे रही है। छाती भी चढ़ा ली मैंने, अंकुश वीडियो में आएगा उसकी बाइक स्लिप हुई, पीछे मेरी बाइक भी स्लिप होती अप्रोच की छाती के ऊपर। मेरे ABS ने वर्क किया पता है, जैसे ये स्लिप हो गए नहीं, ये चले साइड पे, मैं साइड पे नहीं हुआ, मेरा ABS बिल्कुल मेरे को सीधा सीधा घसीटा सीधा सीधा किया, पर नाम भी स्लिप हुए थे। नहीं लगी तो नहीं किसी को, लगी तो नहीं से आराम से आराम से ब्रेक मारी ना पूरा।